देश में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे राह का रोड़ा बना हुआ है अपनी इनफिशियंसी के कारण, जो कि सिस्टम को डिले करता है। तो मैं तो यहाँ ये बोलूंगा कि बात 100 150 1000 10000 लाख मौतों की नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक भी घर से मौत क्यों हो, अगर हम इंसानियत के नाते सोचे तो सारा सिस्टम मिलकर ऐसा काम करे कि एक भी मौत ना होने पाए। मैम देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, और वेलफेयर गवर्नमेंट माना जाता है, लोकतंत्र में ये होता है कि भाई सारी गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। अब मैं एक सवाल ये पूछूंगा, जब चुनाव होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें फ्री में दे देते हैं, बस का टिकट फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री हो गई, मैं सारी सरकारों को बोल रहा हूँ। अच्छा, खाते में पैसे भी डायरेक्ट जाते हैं। तो मैं तो यहाँ ये बोलूंगा कि बात 100 150 1000 10000 लाख मौतों की नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक भी घर से मौत क्यों हो, अगर हम इंसानियत के नाते सोचे तो सारा सिस्टम मिलकर ऐसा काम करे कि एक भी मौत ना होने पाए। अब रही बात जो 6000 का मिल रहा है या 25000 का मिल रहा है, ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अब हो क्यों नहीं पा रही है, आप इसको समझ लीजिए, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इंसान के जो हवस की खोपड़ी है, जो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये इसको भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। 7 पीढ़ी में तो वो कमा नहीं पाए, नौकरी कर नहीं पाए, तो अब ऐसे मतलब ये बोलते हैं जैसे कि लाशों का व्यापार करना, कफन भी जो है चुरा करके बेच देना। तो मैं तो उनकी बहुत घोर और कटु निंदा करता हूँ। इसमें मैं योगी आदित्यनाथ के एक स्टेटमेंट का समर्थन जरूर करूंगा कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग ये करेंगे उनके ऊपर रासुका लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। और ये फैक्ट है, जीवन से खिलवाड़ करने वाले हर एक आदमी को राष्ट्रद्रोह के मामले में डाल सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जो ब्लैक मार्केटिंग में पकड़ा जाए, जो जबरदस्ती चीजों को स्टोर कर ले और उसके मूवमेंट को, फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट जो मार्केट में होनी चाहिए उसको जानबूझ के रोक के आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करे। अब एक चीज और बोलूंगा, देखिए चैलेंजेस तो हमारे सामने है ही ना, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एज ए इंडिया की तरह देखें, छोड़िए आप पार्टियों को छोड़िए, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हमारी इफिशियंसी बहुत पुअर है। इसके पीछे एक कारण और है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करती है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। पेंडेमिक में चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बारीक सा फर्क होता है। अब इसी चीज को करने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट ऐसे करेगी, गवर्नमेंट का जी हो जाएगा, पेपर पे ऑर्डर जाएगा, 10 जगह से होते होते फिर बहुत टाइम टेकिंग है। और जिस बाबू ने, जिस ऑफिसर ने साइन कर दिया, उसने बस समझ लिया कि मेरी तो ड्यूटी पूरी हो गई, उसके अंदर, उसके हृदय में संवेदना नहीं रहती है कि वो फॉलो अप ले। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ये होता है कि सिचुएशन कितनी भी विपरीत हो, वहां पे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं होती है, जहां आपको फॉलो करना है तो आपकी लिमिटेशन नहीं होती है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने स्किल को यूज करते हुए इमीडिएट आप उसको करिए। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखिए आज जो डॉक्टर लगे हुए हैं वो केवल एमबीबीएस है, यानी मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर लगे हुए हैं। देश में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इतने सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। कोरोना का मैनेजमेंट, अगर उनको ऑक्सीजन और ये फैसिलिटी मिल जाए तो ये आयुर्वेद के भी जो डॉक्टर हैं, बीएएमएस और होम्योपैथ के भी डॉक्टर उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम को 100% अगर आपातकाल लगा है यहाँ पे, 100% गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि जितने नर्सिंग होम है वो सब गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, उनको वेतन या उनके खर्चे को जो भी हो वो बाद में डिसाइड कर ले। कमी इस चीज की नहीं है, हमारे गांव में अगर कोई मरीज होता है तो उसको 70 किलोमीटर दूर जाएगा जो सेंटर है कोविड के। मैं बोलता हूँ सबको ये बोल दे, गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करे, जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है, आपके पास अगर एक बेड की व्यवस्था है तो आप एक बेड पे ही इलाज करिए। जो आपको दवाइयां चाहिए आप ऑनलाइन हमको बताइए, हम आपके यहाँ दवा डिलीवर करवा रहे हैं, डिलीवरी की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट को मुझे लगता है नहीं आता है। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम हर छोटे छोटे टाउन में है लेकिन वो खाली पड़े हैं, कोविड में उनका यूज नहीं हो रहा है। हमें अपने बचपन में याद था कि जब डॉक्टर्स की बहुत कमी होती थी तो उस वक्त आरएमपी चलते थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जिन्होंने 2-4 साल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ काम कर लिया जाता था तो उनको जनरल प्रैक्टिस के लिए जो है छूट दे दी जाती थी। उनका बहुत बड़ा रोल होता था रूरल हेल्थ केयर को मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में नहीं, मैनेज करने में। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे राह का रोड़ा बना हुआ है अपनी इनफिशियंसी के कारण, जो कि सिस्टम को डिले करता है।
गवर्नमेंट को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहिए चीजों को, गवर्नमेंट को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट केवल अपनी मशीनरी पे ही क्यों भरोसा कर रही है, मैं और बड़े हॉस्पिटल्स को ही क्यों भरोसा कर रही है। जो छोटे छोटे नर्सिंग होम है जहां पे पूरी सर्जरी हो रही है, अपेंडिक्स गांव में भी जो नर्सिंग होम है अपेंडिक्स वगैरह की जनरल सर्जरी होती है, तो डेफिनेटली वहां के डॉक्टर्स भी इतने स्किल्ड है कि वो कोविड के एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो कर सकते हैं ना, L1 लेवल पे तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम L2 तक कर सकते हैं, L3 लेवल पे जाए, तो गवर्नमेंट यहाँ मैनेज नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट के दिमाग में ही ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चल रही है, हर शहर में 8-10 हॉस्पिटल है उन्हीं को उन्होंने बना दिया है, बाकी दूसरी देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी ये देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले जो होते हैं वो आयुर्वेद के डॉक्टर को इन सबको क्वैक बोलते हैं, मतलब झोला छाप बोलते हैं, उनको वो कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आज के डिजास्टर को मैनेज करने में। आयुर्वेद के जितने डॉक्टर्स हैं उनको सिस्टम से ही बाहर करके रखा गया है, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। छोटे छोटे नर्सिंग होम को, छोटे छोटे क्लिनिक को सिस्टम से ही बाहर करके रखा जा रहा है और वो एक रिसोर्स है, उनको यूज नहीं किया जा रहा है। मैं बोलता हूं कि पैन इंडिया पे अगर रिसोर्स का इस तरीके से मैनेज करें तो बहुत जल्दी प्रबंधन हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। ये जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है वहां पे मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हमें ये निगेटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है।